गुलबर्गा शहर के राणी शपीर दरगाह के पीछे सर्वे नंबर 7576 SM कृष्णा अशरा कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने आज रक्षणा वेदी संगठन के साथ मिलकर कलबुर्गी महानगर पालिका के सामने धरना दिया। लोगों का कहना है कि इस कॉलोनी में ना ही तो लाइट की सहूलत है, ना ही तो पीने के पानी की सहूलत है। अगर पीने के लिए पानी लाना हो तो रेलवे ट्रैक पार करके जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और रात के समय लाइट ना होने के कारण सांप बिच्छू जैसे जहरीले जानवर के काटने का भी डर होता है, और चोरी के भी कई ऐसे हादसे यहाँ पे हो चुके हैं। ये जानकर आपको हैरत होगी कि ये गरीब लोग पिछले 15 साल से ऐसे गुजारा कर रहे हैं। इस आशरा कॉलोनी के रहने वालों ने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द इस एरिया को सुधारा जाए। कृष्णा कॉलोनी में रोड नहीं है, पानी नहीं है और कोई बोरिंग नहीं है। बहुत मुसीबत से लाते हैं हम लोग पानी, और बोलते हैं सो बोरिंग भी नहीं है हमारे इधर, छत में से पानी आता, पूरे कस्टर्स टूटेले है, सब डुप्लीकेट हक पेपर लेकर के बोरे खाली करो बोरे, और बोलते हैं सो सब लोग खाली कर, बाहर के लोग आ रहे खाली करने, खाली करो हमारा है बोल के आते ऐसा ही सब लोग कौन तो भी, और बोलते हैं सो नल नहीं है वहाँ पे, रोड बराबर नहीं है, बिजली नहीं है, ऐसा ही रह रहे हमें 10 साल से रह रहे, और वो लोग अच्छे अच्छे घर बना को उधर रह रहे और बोलते हमारा है ये क्वार्टर्स खाली करो ऐसा बोल रहे। हाँ, और अब हाई साल को हकाल दे रहे हैं, किधर जाने का हम लोग बोलो गरीब लोग, हर साहब लोग जोगा मांगने वाले हैं, सब जोगा मांगने वाले हैं, ऐसा मतलब सब ऐसा गरीब लोग हैं, भीख मांगने वाले, क्वार्टर्स में चमचे बनाने वाले, गुड़िया बनाने वाले, ऐसे सब कुछ है। उनको कोई सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है हमारे कॉलोनी में, कृष्णा कॉलोनी में कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हमारे कोई भी, और हमें ये मुद्दा उठाए अभी। नमस्ते एलोर्गी, ಈ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣ ರೀ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು 15 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, 15 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬಾಗಿಲು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು, ನಾವು ಸ್ವಂತ ಬಾಗಿಲು ತಂದು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಹೇರ್ತಿ ಹೋಗಿರು ಆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹೇಲ್ ಬಳದು, ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತಂದು ತೊಳೆದು ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮನೆ ನಾವು ಉಳಿದೀವಿ, ನೀರಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಡಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, 15 ವರ್ಷ ನಾವು ಖಾಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಶವ್ಯಾಣಿ ದೀಪ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಉಳಿದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಒಯ್ತಾರ ಹಾಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಬೇಡ ಬೇಡ ನಾವು ಲೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೀವಿ. ಆ ಮನೆಗೊಳದಾಗ ನಾವು ದೀಪ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನವರೆಗೂ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಅವೇ ಮನೆ ಬೇಕು ಖಾಯಂ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಬೇಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಂಗಳ ಮುಖ್ಯರು, ನಾವು ಜೋಗಮ್ಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಂತ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆನಿಂದ ಕೇಳತ್ತೀವಿ. सबको नमस्कार. आज जय कन्नड़गर रक्षणा वेदी के तरफ से हम लोग आज जगत वृत्त से महानगर का पालिके का सामने आज हम बोलो प्रतिभा कर रहे हैं. प्रतिभा करने का उद्देश्य क्या है बोलो तो, जो राणेश्वर के पीछे जो एस एम कृष्णा आश्रय कॉलोनी है, सर्वे नंबर 7576 सर्वे नंबर पे जो आश्रय का एस एम कृष्णा आश्रय कॉलोनी में लोग है, क्या गरीब लोग वहाँ पे रहते हैं, ओले पे 15 साल पे वहाँ पे वही घर पे रह रहे आश्रय कॉलोनी का, जो पहले वहाँ बांध के बहुत दिन से चाबी था, वो चाबी निकल के जो घर नहीं है, तो आश्रय कॉलोनी का आश्रय कॉलोनी का एक योजना है. वो आश्रय कॉलोनी बोले तो क्या है बोले तो, जो गरीब लोग जो घर नहीं रहता, जो किराए देने का नहीं होता, जिसे माँ बाप बच्चे नहीं देखते, जो स्टेशन में बस स्टैंड में रास्ते पर रहते, उसको आश्रय कॉलोनी का घर देना बोल के सरकार का आदेश है. और ये लोग जब वो पैसा देते हैं अमीर लोग को, सबको वहाँ हक पत्र दिए सो है, वो लोग आके अब ये लोग को डरा रहे हैं, हमारा हक पत्र है वो डुप्लीकेट हक पत्र है ला के दे रहे बोल के. हम लोग कमिश्नर के साहब के पास आए, वहाँ पे जितना अंधेरा है, लाइट नहीं है, पानी लाना बोले तो जो रेलवे पटरी पार करके जाना, रेलवे कब आता, किसके ऊपर जाता, किसको, वो लोग ऐसा ये नहीं है, वो लोग बहुत डर रहे कब हमारे मौत होता बोल के. और उसके अंदर अभी चार लोग को सांप काटे सोए, अंधेरा है और रात को भारी नहीं आता, बाहर आए तो सांप काटता बोल के वो लोग डर रहे, और चोरी बहुत होता है और बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे, और पानी नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है. वो अंधेरे में 15 साल से यार, ये शतमान में एक दिन एक घंटा लेट गए तो आदमी जीता नहीं है. वो लोग 15 साल से वो घर में अंधेरे में वो लोग क्यों जी रहे बोलो तो, वो घर में वो लोग को पैसा किराए देने को पैसा नहीं है. वो लोग कौन लोग है बोलो तो, जो रोज़ बना के खाने वाले, जब वो पैसा कमा रोज़ मेहनत करेंगे वो लोग का घर में चूल्हा चलता है, नहीं तो वो राणेश्वर के दरगाह में जो भगवान करते जो खाना देते वो खाना खा के सोना पड़ता है, वो लोग का हालत ऐसा है. इसलिए महानगर पालिका के आयुक्त, महानगर पालिका कमिश्नर और महानगर पालिका महापौर दोनों और जगह पे और रस्ते वहाँ पर आश्रय कॉलोनी एस एम कृष्णा आश्रय कॉलोनी जाना, आंखों से देखना, और वो देख के समस्या क्या है वहाँ पे. पहले हमारा बेडिक है
हक पत्र वो लोग पहले जो हक पत्र दिए सो है उसके ऊपर इंक्वायरी होना, जो जो हक पत्र जो अमीर लोग है क्या गरीब है वो लोग को हक पत्र वो लोग को देना और एक कमेटी बनाना, कमेटी में ये लोग कितने जने आश्रय कालनी के घर में जाना, वो घर में कितना है वो नंबर वो घर में नाम लिख ले, वो लोग को हक पत्र का एक देने का योजना करना और दूसरा लाइट करना और पानी करना, रास्ते करना और बच्चे को लिए स्कूल करना, ये हमारे बेटी के है। और हम लोग आज ये लोग हफ्ता एक हफ्ते में नहीं करेंगे तो 15 तारीख जो 5 तारीख कर्नाटक के मुख्यमंत्री आ रहे, जिले उत्सवी आ रहे, हम दोनों को मुतके का हम डाल रहे के कार्यक्रम कर रहे और हमारे को 8 दिन में काम नहीं करेंगे तो जो 5 तारीख का मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री साहब के मिल रहे हैं सब मिलके और जिले उत्सवरी साहब वहीं रहते हम वहाँ भी वो लोग को भी बनवी देते बोल के आपके टीवी मूलक हम बताना चाहते हैं। मेरा नाम सचिन प्रतापाद, जय कन्नड़ रक्षण के राजाध्यक्ष।